कहानी की शुरुआत एक गांव से शुरू होती है जहां दो आदमियों की दोस्ती थी। काले कोट वाले का नाम एनरिक था जबकि ग्रे कोट वाले का नाम जॉन था। एनरिक की बेटी का नाम रीना था जो दिखने में बहुत सेक्सी थी। जॉन के बेटे का नाम एंडी था, उसकी शादी रीना से पक्की हो चुकी थी लेकिन रीना को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जॉन की एक बेटी भी थी जिसका नाम सोफी था और घर का चौकीदार उसे पसंद करता था। एक दिन गाँव में पोस्टमैन आता है, वो एक घर में लेटर देने आया था और ये घर मरियम नाम की औरत का था। लेटर मरियम के बेटे का था जिसमें लिखा था, मैं डॉक्टर बन चुका हूँ और मैं जल्दी ही घर वापस आने वाला हूँ। अपने बेटे का लेटर पढ़कर मरियम बहुत खुश होती है। वो जल्दी जल्दी पड़ोस में बता देती है कि उसका बेटा एडम डॉक्टर बन गया है और वो जल्दी ही घर आने वाला है। फिर गांव की लड़कियों को भी पता चल गया कि मरियम का बेटा एडम डॉक्टर बन गया है। गाँव में कोई डॉक्टर नहीं था इसलिए सभी लड़कियाँ एडम को चाहने लगी थी, सभी उससे शादी करना चाहती थी जिसकी वजह से लड़कियों में लड़ाई भी शुरू हो गई थी। अगले दिन मरियम का बेटा गांव में आ रहा था। रीना ने उसे दूर से ही आते देख लिया जिसके बाद वो नदी में डूबने का नाटक करने लगी। एडम की नजर जैसे ही रीना पर पड़ती है तो वो जल्दी से अपनी बाइक रोककर रीना को पानी से बाहर निकालता है। रीना भी एडम से शादी करना चाहती थी, उसने जानबूझकर डूबने का नाटक किया था ताकि एडम उसकी जान बचाए और वो उसके करीब जा सके। वैसे रीना के पूरे कपड़े भीग चुके थे और उसका जिस्म कपड़ों से बाहर झांक रहा था। इसके बाद एडम उसे अपने कपड़े देता है जिसके बाद रीना कपड़े बदलने लगती है। कपड़े बदलने के बाद वो दोनों गांव की तरफ बढ़ने लगे। फिर वो दोनों गांव में पहुंच जाते हैं और एडम को देखकर पूरा गांव खुश होता है। उन्होंने एडम की स्वागत की तैयारी कर रखी थी। सोफी भी उसके स्वागत के लिए खड़ी थी और वो रीना को एडम के साथ देखकर जल गई थी। एडम सबसे पहले अपनी माँ मरियम से मिलता है और फिर गाँव वालों से मिलता है। कुछ देर बाद एडम अपना सामान रख रहा था। उसकी माँ का सपना था कि एडम पढ़ लिख कर डॉक्टर बने और एडम ने उसका सपना पूरा कर दिया था। एडम अब गाँव में ही काम करने वाला था और ये जानकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। अगले दिन एडम गांव में टहल रहा था। इस बार सोफी उसे दूर से देखकर डूबने का नाटक करने लगी वो एडम के करीब जा सके। एडम की नज़र जैसे ही उस पर पड़ती है तो एडम अपनी बाइक रोक देता है। वैसे इस बार नदी में पानी कम था जिसकी वजह से एडम समझ गया कि सोफी डूबने का नाटक कर रही है। वो उसे बाहर आने को कहकर चला जाता है और अपने प्लान को फेल देखकर सोफी गुस्सा करती है। थोड़ी देर बाद एडम अपने घर पर था। इसी बीच जॉन का चौकीदार उसे आकर कहता है कि सोफी को बुखार हो गया है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। चौकीदार की बात सुनकर एडम जल्दी ही जॉन के घर पहुंच गया। एडम को जॉन के घर जाता देखकर रीना का पारा चढ़ गया। वो जॉन के पड़ोस में ही रहती थी, उसे पता था कि सोफी नाटक कर रही है ताकि वो एडम के करीब जा सके। अब रीना ने भी फैसला कर लिया कि वो भी बीमार होगी और एडम को अपने घर बुलाएगी। उधर एडम जॉन के घर में आ चुका था। उसने घर वालों से कह दिया कि वो सोफी को अकेले में देखेगा ताकि उसकी बीमारी किसी दूसरे को ना लग जाए। इसके बाद वो जैसे ही सोफी के कमरे में आता है तो उसके तेवर देखकर हैरान हो जाता है, मगर खुद को संभाल कर वो जल्दी ही उसकी जांच करने लगा। एडम को करीब देखकर सोफी बहुत गर्म हो गई थी। जैसे जैसे एडम उसकी जांच कर रहा था वैसे वैसे सोफी की गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। जांच के बाद सोफी उसे गले भी लगा लेती है लेकिन उसी पल चौकीदार अंदर आ जाता है। चौकीदार ने एडम को तो बचा लिया लेकिन उसने सोफी को गुस्सा दिला दिया था। एडम जल्दी ही सोफी को दवा देकर उसके घर से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रीना भी बीमार पड़ गई थी। उसके बाप एनरिक ने भी एडम को बुला लिया जिसके बाद एडम उसकी भी अकेले में जांच करने लगता है। वैसे एडम को रीना पसंद थी और वो भी उसे चाहने लगा था। मौका देखकर रीना उसे चूमती है और उसे अपने दिल की बात भी बता देती है। अगले दिन गांव के कुछ बच्चे खेल रहे थे और एडम उन्हें दूर से देख रहा था। इसी बीच खेलते खेलते एक बच्चे को चोट लग जाती है जिसके बाद एडम उसकी चोट पर दवा लगाने लग जाता है। एडम को बच्चों से बहुत प्यार था और बच्चे भी उसे बहुत पसंद करते थे। कुछ देर बाद एक लड़की बुरका पहनकर एडम के घर आती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि रीना ही थी। वो एडम से कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर एडम कहता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एडम की बात सुनकर रीना बहुत खुश हो गई जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद एडम एक स्टेशन पर तेल भरवा रहा होता है। तेल भरवाते समय तेल भरने वाले को खुजली हो रही थी। वो एडम को बताता है कि मुझे सुबह से खुजली हो रही है और मैं इससे बहुत परेशान हूँ। तेल भरवा कर जब एडम गाँव में आता है तो वो देखता है कि गाँव के कई लोगों को खुजली हो रही है। उसके पूछने पर गाँव वाले उसे बताते हैं कि हमें सुबह से खुजली हो रही है। उनकी बात सुनकर एडम जल्दी से घर आकर खुजली का इलाज ढूंढने लगता है। अगले दिन एडम ने खुजली की दवा बना ली। वो पूरे गांव में दवा बांटता है ताकि लोगों की खुजली ठीक हो सके। कुछ दिनों तक गांव वाले खुजली से परेशान तो रहते हैं लेकिन इसके साथ ही साथ वो एडम की दवा भी ले रहे थे। जल्दी ही एडम की दवा काम कर गई और गांव वाले ठीक हो गए। दरअसल गांव वालों ने गंदा पानी पी लिया था इसलिए उन्हें खुजली होने लगी थी। एडम की दवा ने गांव वालों को ठीक कर दिया जिस कारण गांव वाले उसे तोहफे में फल देते हैं। एडम ने गांव वालों से कभी पैसे नहीं लिए थे
और ना ही वो उनसे तोहफे लेना चाहता था। वो गाँव वालों का दिल रखने के लिए तोहफे के फल बच्चों में बांट देता है। दूसरी तरफ रीना जहर पीने का नाटक करने लगती है। एनरी को बताया जाता है कि रीना ने जहर पी लिया है, जिस कारण वो घबरा गया। वो अपनी बेटी से बेहद प्यार करता था, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। जल्दी ही एडम को एनरी के घर बुलाया गया। एनरी उसे सब कुछ बताता है कि मेरी बेटी ने जहर पी लिया है। पूरी बात सुनने के बाद एडम ने रीना की जांच शुरू कर दी। उसे पता था कि रीना ने नकली जहर पी लिया है, इसलिए वो झूठा इलाज शुरू कर देता है। दरअसल ये इन दोनों की चाल थी ताकि एडम एनरी का दिल जीत सके और फिर रीना से शादी कर सके। इलाज के बाद एडम एनरिक से कहता है कि रीना को कोई चिंता सता रही है। रीना को ठीक करने के लिए उसे खुश रखना होगा। अगर रीना उदास रहने लगी तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। एडम की बात सुनकर एनरिक उदास हो गया। वो एडम से कहता है कि मैं रीना का पूरा ख्याल रखूंगा और उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। उसकी बात खत्म होते ही रीना उठकर उससे कहती है कि मैं एडम से शादी करना चाहती हूँ। रीना की बात सुनकर एनरिक के तोते उड़ गए। कुछ देर बाद एनरिक जॉन को बताता है कि रीना की शादी एडम से होगी। एनरिक की बात सुनकर जॉन को बहुत गुस्सा आता है, जिसके साथ ही दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच एडम भी उनके पास आ जाता है। वो दोनों को शांत करवाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उससे कहता है रीना के लिए एंडी ही बेहतर है। जॉन की बात सुनकर एडम फैसला करता है कि उसके और एंडी के बीच मुकाबले होंगे। जो मुकाबले जीतेगा वही रीना से शादी करेगा। अगले दिन एडम एंडी के बीच मुकाबले शुरू हो जाते हैं। पहला मुकाबला जोर वाला था, एंडी उसे आसानी से जीत जाता है। दूसरा मुकाबला फुटबॉल का था और इस मुकाबले को एडम जीत जाता है। एडम की जीत की खुशी रीना के साथ साथ पूरा गांव मना रहा था। तीसरा मुकाबला निशानेबाजी का था। पहला मौका एंडी को दिया जाता है और वो अच्छे निशाने लगाता है। दूसरा मौका एडम को मिलता है और एडम ऐसे ऐसे अंदाज से निशाने लगाता है जिसे देखकर गांव वालों के होश ही उड़ जाते हैं। तीनों मुकाबलों में से एडम ने दो मुकाबले जीत लिए थे, यानी अब रीना की शादी उसी से होने वाली थी। पूरा गाँव एडम के जीतने की खुशी मना रहा था। इसी बीच एक गाड़ी उनके पास आकर रुक। गाड़ी में से एक आदमी निकल कर एडम से कहता है, मैं सेहत विभाग की तरफ से आया हूँ, हमें पता चला है कि तुम बिना डिग्री के डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहे हो। ये एक अपराध है और इसीलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। एडम की सच्चाई जानकर पूरा गांव हैरान था, जबकि एंडी उसे बदनाम डॉक्टर कहता है। अगले दिन एडम को कोर्ट में पेश किया गया। वो जज को सब बताता है कि वो झूठा डॉक्टर क्यों बना। दरअसल एडम की विधवा माँ का सपना था कि एडम पढ़ लिख कर डॉक्टर बन सके। एडम पढ़ाई में कमजोर था, इसलिए वो डॉक्टर तो ना बन सका, लेकिन उसे एक अस्पताल में गार्ड की नौकरी मिल जाती है। एडम ने गार्ड बनकर ही थोड़ी बहुत डॉक्टरी सीख ली थी। वो अपनी माँ का सपना पूरा करने के लिए झूठा डॉक्टर बना था। एडम के हक में कुछ गांव वाले भी गवाही देते हैं कि एडम ने कभी भी उनसे पैसे नहीं लिए। पूरी बात जानकर एडम को रिहा कर दिया जाता है। इसके साथ ही एडम को समझाया जाता है कि वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। एडम जज से वादा करता है कि आज से मैं बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करूँगा। कहानी के आखिर में एडम और रीना की शादी हो जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।